हेलो सन मून एंड राइजिंग लिब्राउस वेलकम टू माय चैनल ग्रीन टैरोट ये आपके फेबरी मंथ की रीडिंग है टू थाउजेंड एंड दिस विल बी अ जनरल रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती आप से फोन को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं So let's start your reading. देखते हैं messages aate hain this time. Celtic Cross. This first reading or ये general reading hai? let Let's see. Sorry for the late because I was busy somewhere. Okay. What are the messages for Libras? What are the messages for Libras for the month of February 2023. Libras kill month of February maya messages were the messages for Libras for the month of uh, February 2023. Libras ke liye kya messages hai? February 2023. Please universe guide us. Please universe guide us. टैग यू आर आपके पास है हो सकता है आप किसी लाइक आप खुद ही एयर साइन है और आप किसी एयर साइन से ही डील कर रहे हैं दिस कैन बी सिचुएशन फॉर यू इन मतलब फैबरी लिब्रास सो so, यहाँ पे स्पाइंग एनर्जी है आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कुछ क्लैरिटी चाहिए ताकि आप मूव फॉरवर्ड कर सकें अपने पीस ऑफ माइंड में वापस आ सकें या तो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी से कम्युनिकेशन का इरादा कर रहे हैं बात करने का इरादा कर रहे हैं और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के, के, के बारे में सोचें कि अब आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए आगे विद योर पीस ऑफ माइंड ओके सो या आप, आप ट्रैवल करें यहाँ पर आपकी लाइक like, आप इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं अपने पीस ऑफ माइंड को हासिल करने के लिए लाइक like, अगर आप किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं और उस पर्सन से बात करना चाहते हैं टू फाइंड आउट द पीस बिटवीन यू एंड दैट पर्सन तो यहाँ पे ये यह पॉसिबल हो सकता है इस मंथ में लाइक like, uh, कोई इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है किसी पर्सन के बारे में या आप उसको स्टॉक कर सकते हैं या आप किसी से बात करना चाहते हैं आप किसी से बात करने के रास्ते तलाश करें तो यहाँ पे तो टावर मूवमेंट है क्वीन ऑफ पेंटिकल है टावर क्वीन ऑफ पेंटिकल ऑफ ऑफ पेंटिकल सेवन ऑफ सोट्स एज ऑफ पेंटिकल्स नाइन ऑफ वैजिशन एज ऑफ सोट्स और फाइव ऑफ कप्स तो यहाँ तो पर सोर्स की एनर्जी आपके एडवाइस में भी है तो यू नीड टू लाइक आपको क्लैरिटी लेने की जरूरत है ओके सो होप के आपको सारे कार्ड्स विजिबल हैं आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा स्पेस मैं बना नहीं सकती हूँ so तो so, यहाँ पे पीस ऑफ माइंड की बात है या तो आप ट्रैवल हैं लिटरली किसी आ, किसी जगह से किसी ऐसी जगह से जो आपको सूट नहीं कर रही थी या आपके लिए अच्छी नहीं थी या आप, आपको वहाँ पीस नहीं मिलता था तो आप किसी दूसरी जगह ट्रैवल जहाँ आप आपके लिए अच्छा है हैप्पीनेस है पीस ऑफ माइंड है टेन ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ पे पेनफुल साइकिल की एंडिंग हो रही है मंथ ऑफ फेबरी में जो पेनफुल साइकिल था जैसे मैंने कहा कि आप किसी पेनफुल साइकिल से निकल के किसी पीसफुल माहौल में जा रहे हैं तो ये पेनफुल साइकिल है जो एंड हो रहा है और एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है स्टेबिलिटी की एक कंप्लीशन मिल रही है आपको स्टेबिलिटी में और पेनफुल साइकिल की भी एंडिंग हो रही है यहाँ पर सो स्टार्ट ऑफ द मंथ में आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पर जहाँ पर जाने से आपका आपका पेन खत्म हो रहा है एक स्टेबिलिटी स्टार्ट हो रही है इसके अलावा मुझे कुछ सडन um, शॉक सा या सडन कोई एनर्जी नज़र आ रही है मुझे लाइक जो भी ये जो भी ये चीज़ है एक अच्छी चीज़ हो रही है स्टार्ट ऑफ द मंथ में लेकिन सडन चेंजेस आ रहे हैं कुछ um, ये सडन ब्रेकअप भी हो सकता है या कुछ अनएक्सपेक्टेड लम्हा हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में आ सकता है मा आपके माइंड में सेमो सोर्स की एनर्जी है लाइक आपको ऐसा लगता है कि लाइक आपको डाउट्स है हैं कुछ अपने पार्टनर के हवाले से या फिर इस इस सिचुएशन के हवाले से कि एक चीज की एंडिंग हो रही है तो आपको खुशी है कि ये ये एक स्टेबिलिटी आ रही है पेनफुल साइकिल की एंडिंग हो रही है लेकिन आपको डाउट्स भी हैं इस हवाले से कि पता नहीं ऐसा होगा भी या नहीं तो यहाँ पे कुछ कुछ हिडन है या आप कुछ आपके माइंड में कुछ स्ट्रैटेजी प्लानिंग चल रही है किसी हवाले से आप अपनी लाइफ के हवाले से कुछ प्लानिंग कर रहे हैं जो आप किसी को बता नहीं रहे हैं बिहाइंड द सीन प्लानिंग्स हैं कुछ जो कि आपने अपने माइंड तक ही रखी हुई है अभी तक आपने किसी से कही नहीं है तो यहाँ पर हो सकता है अगर आप ये रेवोल्यूशन आपको हो जाए कुछ हिडन चीज़ की या आप किसी को रिवोल्यूशन करते हैं इस बात की जो प्लानिंग आप कर रहे हैं अगर वो सबके सब के सामने आती है लाइव नाइट में आती है तो ये एक शॉकिंग रिवलेशन हो सकती है किसी के लिए ओके okay? सो so, और इसके लिए चैलेंज क्या है या फिर एक अनस्टेबिलिटी आपको आती हुई नज़र आ सकती है एक लाइक एक अच्छी हैप्पीनेस चल रही है बीच में लेकिन आ, उसके आ, मतलब बीच में मिड ऑफ द मंथ में कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसा हो सकता है जो कि आपकी स्टेबिलिटी को आम, एक दोबारा से इस सिचुएशन में स्टेबिलिटी हासिल करना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग um, हो सकता है ठीक है लाइक मनी से रिलेटेड कोई चैलेंज आ सकता है आपके सामने इन द मिड ऑफ द मंथ में फेवरी के मिड में मनी से रिलेटेड कुछ चैलेंज आ सकता है या स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई चैलेंज आ सकता है लाइक like आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं मूव मूव ऑन कर रहे हैं या लिटे लिटे आप किसी जगह से शिफ्ट हो रहे हैं uh, कहीं और अपना शिफ्टिंग कर रहे हैं तो ये एक अनएक्सपेक्टेड uh, चैलेंज आपकी लाइफ में आ सकता है कि uh, दूसरी जगह में शिफ्ट होना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग बन सकता है तो यहाँ पर बट एंड ऑफ द डे में आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी है स्टेबिलिटी है लेकिन इमोशनल uh, आप फील कर सकते हैं लाइक हो सकता है अपने लाइक uh, like, अपने पार्टनर के हवाले से कुछ लोगों के लिए लिटरली ये एक ब्रेकअप सिचुएशन है कि यहाँ पे आप ब्रेकअप कर रहे हैं अपने पार्टनर से लिटरली क्योंकि कमिटमेंट इशू है कि आपके आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है अपने पार्टनर से और आपके ऊपर रिवेल होता है कुछ कि आपके पार्टनर कुछ जो है वो यहाँ पर अन, क्या कह सकते हैं कुछ बिहाइंड द सीन कुछ है जो कि आपके पार्टनर ने हाइड किया है वो आपके ऊपर रिवेल होता है तो यहाँ पे सडन ब्रेकअप की एनर्जी आ सकती है बट एंड द एंड ऑफ द मंथ में आप उस इस ब्रेकअप पे जो है वो रिग्रेट भी कर सकते हैं ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है सबके लिए नहीं um, आपकी एनर्जी में यही है कि आप नाइट ऑफ वॉर्न की एनर्जी में क्या आप बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं ये जो भी एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है एक स्टेबिलिटी आ रही है एक पेनफुल साइकिल का एंड हो रहा है इसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और आपके पार्टनर जो है वो आ, हर तरीके से आ, हो सकता है आपको मानो पार्टनर मैनिपुलेटिव हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है क्योंकि पे सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड है तो ये यहाँ पे मैनिपुलेटिव एनर्जी है आपको क्लैरिटी चाहिए किसी बात की जैसे मैंने कहा कि आप कुछ क्लैरिटी चाहते हैं कोई बात करके किसी चीज़ के हवाले से क्लैरिटी आप चाह रहे हैं किसी कुछ इंफॉर्मेशन आप गेन करना चाहते हैं ताकि आप मूव ऑन कर सकें पीसफुली uh, तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है अपने माइंड को ओपन रखना चाहिए मेडिटेशन करें मेडिटेशन से आपके इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बताते हैं तो आपको भी ये जो हिडन चीज़ें हैं वो आपके ऊपर रिवेल होंगी अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो और आपको हो सकता है आपके कोई डिसीजंस अगर आप मिड मंथ में लेते हैं अगर आपके ऊपर कुछ रिवेल हो रहा है आपके ऊपर कुछ हिडन चीजें रिवेल हो रही हैं उसके हवाले से आप उसके बेस पर अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो आपको रिग्रेट हो सकता है इन द एंड ऑफ द मंथ में मगर यहाँ पर कुछ नई स्टेबिलिटी लाइक एक नया नए लॉन्ग टर्म स्टार्ट मुझे नजर आ रहा है न्यू न्यू फेज ऑफ योर लाइफ लाइक स्टेबिलिटी के हवाले से तो आप सही हैं ठीक है लाइक आपको एक स्टेबिलिटी मिल रही है स्टार्ट ऑफ द मंथ से लेकर एंड ऑफ द मंथ तक बट इमोशनली आप थोड़े से लॉस में जा सकते हैं तो यहाँ पर ये सिचुएशन बन रही है कुछ लोगों के लिए ओके सो यहाँ पर मुझे लग रहा है आप तो आप या तो आम इस एनर्जी में है कि आप सीरियस नहीं हो रहे किसी चीज़ के लिए या आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कुछ नई शुरुआत होने के लिए तो यहाँ पे देखते हैं रोमैन सेंसुअल और कल मैसेज क्या है फ्लर्ट एंड वेडिंग एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू टू अदर्स एंड वेडिंग दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज सो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग मैरिड हों और और आपको लाइक अपने मैरिड पार्टनर की तरफ से ये पता चल सकता है कि वो जो है फ्लर्टिंग की एनर्जी uh, में है या फिर आपको कहा जा रहा है कि आप फ्लर्टिंग एनर्जी में रहें ताकि आपकी रिलेशनशिप में इमोशनल बैलेंस आ सके लाइक एक हैप्पीनेस आ सके फुल प्लेफुलनेस uh, आ सके तो जस्ट यही मैसेज आपको आपके लिए है फ्रॉम द डिवाइन लाइक रोमांस एंजल ऑरिकल की तरफ से आपके लिए बस यही मैसेज है अब देखते हैं कि uh, मोनोलॉजी टेक्स्ट तो बहुत ज़्यादा ही ओ <laughs> गॉड oh cannot take all these what's happening so हैिंग a lot having energy है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल लाइक आप बहुत क्लोज हैं कि like, आप अपने गोल्स को अचीव कर लें लाइक हो सकता है आपने प्लानिंग की हुई है आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने में बट हो सकता है यहाँ पे कुछ सडन रुकावटें आ रही हों और आप अपने गोल्स को अचीव ना कर पा रहे हो इन द मिडिल ऑफ द मंथ में लेकिन एंड ऑफ द मंथ में आप अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे लेकिन कुछ रिग्रेट आपको रहेगा अपने लव लाइफ के हवाले से हो सकता है आपको अपनी लव लाइफ पे फोकस करना चाहिए मतलब आप इमोशनली थोड़े डिटेच फील कर रहे हैं अपने पर्सन से कम्युनिकेशन इज द की जैसे मैंने कम्युनिकेट करना है यहाँ पर भी कम्युनिकेशन की एनर्जी है और यहाँ पर भी एज ऑफ सोर्स है तो कम्युनिकेशन के थ्रू आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी जिसके बाद ही आप कोई अपना फैसला ले सकते हैं क्योंकि अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं लाइक आपको अपने पार्टनर के हवाले से उनकी उनकी क्या स्ट्रैटेजी प्लानिंग्स हैं उनके क्या उनकी क्या सोच है क्या वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में वो सब आपको पता चलेगा कम्युनिकेशन के थ्रू और ये एक रिवलेशन हो सकती है आपके लिए ठीक है तो ये रेवल्यूशन आपके लिए हो सकती है ताकि लाइक आप कोई फैसला कर सकें अपना कि आपको मूव ऑन करना है अपने पार्टनर के साथ या जस्ट अ लोन ओके सो दैट वाज योर रीडिंग इफ इट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन ए कमेंट ब्लो लाइक माय वीडियो सब्सक्राइब सब्सक्राइबर चैनल थैंक्स फॉर वाचिंग